जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के हनुमानगढ़ी में स्थित दुग्ध डेयरी में 5 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 2 की हालत गंभीर, गायों को कराया गया पोस्टमार्टम। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा और पशु चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे और बीमार गायों का इलाज कराया तथा मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया गया। इस विषय में डेयरी मालिक मुकेश पाल ने बताया कि सुबह जब वह डेयरी पर पहुंचा तो 5 गायें मृत तथा 2 गंभीर हालत में मिली। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले में पशु चिकित्सक ने बताया कि मृत गायों का पोस्टमार्टम करके बिसरा परीक्षण के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि गायों की मृत्यु किस कारण से हुई है। वहीं डेयरी मालिक ने खल चूनी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको? इससे इसमें पूरी मिलावट है और इनका जो नुकसान हुआ है उन्हें पूरा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये कहाँ से खरीदते हो आप लोग? ये इन्होंने यहाँ से खरीदा था, बड़ा महादेव वकील साहब नाम से दुकान उनकी फेमस है, तो ये वहीं से खरीदते हैं आज। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? इसमें पूरा मिलावट है और रिजल्ट आपको दिख ही रहा है। अच्छा, मौत का कारण आप इसी को मानते हैं? या तो हम केमिकल बोल सकते हैं, इस तरह से हाथों पे हमारे काले काला हो रहा है। हाँ। एक तरह से केमिकल ही है ये। अब कौन सा केमिकल है इसकी रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा। तो ये जिसमें प्रथम दृष्टा ये प्रतीत हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग से ये मौत हुई है, इसी संबंध में जहाँ से ये चोकर आता था कि बड़ा महादेव मंदिर में दालमिल है, यहीं पर हम लोग जाँच में आएंगे। क्या क्या पाया है आप मौके पर? अभी तक मामला संदिग्ध प्रतीत पाया जाता है। इसमें मेरे साथ CBO साहब भी मौजूद है। तो काला काला कुछ दिखाई दे रहा है और पीड़ित भी ये बात कह रहा है कि वो गाय को उसने खाया और वो उससे उसकी मृत्यु हुई है, वो क्या है? संभवता हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है। अभी फाइनली हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कितनी गाय की मौत हुई? 5 गाय और 1 बछड़ी।